फिर भी आए फिर भी और ताली मारते हो क्या? आए फिर भी आए फिर भी आए फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आए फिर भी भीम क्यों ना याद आया। और माता बहनों, ये मत सोचना कि केवल पैंट पुरुषों का ही स्टाइल का ही पुरुषों को ही अधिकार दिलाया, तुम्हें भी दिलवाया। किस चीज का दिला? और लहंगा चुन्नी बढ़िया सूट का, लहंगा चुन्नी बढ़िया सूट का, जिसने हक दिलवाया फिर भी भीम क्यों ना याद आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। ला 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 मुझे याद आता है, बाबा साहब अंबेडकर रस्सी से लटके हुए थे। किससे लटके हुए थे? रस्सी से लटके हुए थे। लेकिन रस्सी तो रत्तू ने दिखाई दी, जंगले से रत्तू ने रस्सी तो देख ली, लेकिन ये नहीं देख पाए कि रस्सी बंधी कैसे है। जब नानक चंद्र रत्तू ने रस्सी जंगले से देखी, तो ये बच्चे बात ना करें बने, ऐसे बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं बड़ा अब मूड में हूँ अच्छी बातें बताने को, लेकिन तुम फिर रह जाओगे, कैसे ध्यान चलेगा। रत्तू ने रस्सी तो देख ली, लेकिन पोजीशन नहीं देखी कि बाबा साहब किस अवस्था में लटके हुए हैं। जब रस्सी देखी तो नानक चंद्र रत्तू जोर जोर से रोने लगे। नानक चंद्र रत्तू रोने लगे, और जब रोते हुए देख करके पड़ोसी इकट्ठा हुए, जब 20-30 लोग आ गए, तो नानक चंद्र रत्तू रोते हुए देख करके उसके साथ वो लोग भी रोने लगे। और नानक चंद्र रत्तू साथियों रस्सी की तरफ इशारा कर रहा, और उसकी आवाज ना निकले, और वो रो रहा। जब नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब के रूम के अंदर गए, तो नजारा ही कुछ और था। नजारा क्या था? रस्सी से जरूर लटके हुए थे, लेकिन रस्सी पैरों से बंधी थी, और बाबा साहब अंबेडकर उल्टे लटके हुए थे। साथियों, बाबा साहब मुस्कुरा रहे थे, सिर नीचे था और पैर ऊपर की तरफ थे। बाबा साहब मुस्कुराने लगे, नानक चंद्र रत्तू हैरान हुए। नानक चंद्र रत्तू कहने लगे, बाबा साहब मैं तो हैरान हुआ, अरे ये क्या है, मैं तो डर गया था कोई अनहोनी ना हो गई हो, क्योंकि कई दिन से आप लिख रहे थे, मैं सोचा कि बाबा साहब मनवादियों से तंग आकर के कोई गलत काम ना कर लिया हो। साथियों, लेकिन बाबा साहब मुस्कुराने लगे, और बाबा साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे नानक चंद रत्तू मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, मैं अपने हजारों करोड़ों भाइयों का हक अधिकार दिला करके इस दुनिया से जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। बाबा साहब समझाने लगे कि नानक चंद मैं 15-20 दिन से बैठे बैठे लिख रहा था, और बहुत दिनों से मैं आराम नहीं कर पाया, और मेरे इस बैठे बैठे सिर के खून का बहाव मेरे पैरों की तरफ आ गया, और जब मेरे खून का बहाव पैरों की तरफ आ गया, तो मेरे पैरों में सोजन हो गई। रत्तू भाई, मैं आराम तो कर नहीं सकता, मैंने युक्ति सूझी कि क्यों ना मेरे समाज का काम भी ना रुके, और मेरे पैरों के खून का बहाव वापस सिर की तरफ
अरे तुम्हारे लिए बाबा साहब ने क्या भी दिया भाई, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया लेकिन तुम्हें कावड़ शंकर भगवान की लेकर के आते हो। अरे तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, हमें बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया। क्या किया, गौर से सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छा बेटा, क्या बात, गौर से सुना। समाज की है त्रिको का मसीहा ही त्रिको का समाज की है, जाना नहीं थी आपने अरे राज काज की है, जाना नहीं थी आपने राज काज की। मैं बताना चाहूंगा मेरी बहनों को, मेरी माताएं बहनों को बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर कोई मामूली इंसान नहीं थे। इस देश के अंदर सबसे पहले कानून मंत्री बनने का काम किया बाबा साहब ने, और जब कानून मंत्री बने और मंडल आयोग के दौरान, हिंदू कोडविल के दौरान, हिंदू कोडविल में मेरी माता बहनों को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, तो हिंदू कोडविल में मेरी माता बहनों को जो सम्मान नहीं मिला, तो कानून मंत्री के पद से ठोकर मारने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और यही कार्य आज, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, जब उन्होंने सब्बीरपुर मसले की, दलित भाइयों की जब संसद के अंदर बात उठाने का काम किया, और जो 3 मिनट का समय उन्हें दिया गया उसमें भी कटौती की गई, तो माननीय बहन जी ने गुस्से में आकर के कहा कि जब मैं अपने समाज की बात ही नहीं रख सकती तो ऐसे पद पर बैठने से क्या फायदा, इसलिए उन्होंने भी राज्यसभा पद के ठोकर, पद को ठोकर मार दी। आज कोई चपरासी की नौकरी तो छोड़ के दिखाओ, राज्यसभा मेंबर का पद ठुकरा दिया बहन जी ने, कैसे, ताली मार के गौर से सुना कर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साल में धोखा खाते हो कैसे, हाँ तुम धोखे न खाया करो, अरे तुम धोखे न खाया करो, तुम धोखे न खाया करो, अरे तुम धोखे न खाया करो, हाँ अबे होटल में वोट को लुटाया ना करो, धोखे न खाया करो, हाय तुम धोखे न खाया, ताली मार के क्या बात है। अरे जिस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे इस दुनिया से चले गए, जिस वोट को दिलाने के लिए माँ रमाबा इस दुनिया से चली गई, जिस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए, वो वोट पव्वे अधे में बेचने की नहीं है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने तरीका सही अपनाया है, वोट भी पर्दे में डलती है और बेटी भी पर्दे में पराई होती है, इसलिए जिसने अपनी वोट को बेच दिया समझो उसने अपनी बेटी का सौदा कर लिया, वोट और बेटी में कोई अंतर नहीं है, कैसे, ताली मारते हो, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छे, Thank you.
गरीबों का मसीहा ही आ, गरीब पुकार समाज की, गरीबों का मसीहा पुकार समाज की, जाना नहीं थी आपने लाज काज की, वो जाना नहीं थी आपने लाज काज की, मन में कसम उठाई भाई, मन में कसम उठाई भाई, ना कोई सुख चाहा दिल की। समझ में किस किस की समझ में आ रहा है? जिसकी समझ में आ रहा है वो दोनों हाथ उठाएगा, जिसको तथागत बुद्ध भगवान ने एक हाथ दिया एक ऊपर उठाओ, जिसको दो दिए दो उठाओ, और जिसको हाथ नहीं दे रखे वो बैठा बैठा खुजली करो और ताली मार दो। हाय फिर भी, हाय फिर भी भीम क्यों ना याद आया, हाय फिर भी भीम क्यों ना याद आया। बात सुनो, जो कुंवारी लड़की है जब वो ससुराल जाए और तुम्हारी सास पूछ ले, सास तुम्हारी अगर पूछ ले क्या, हाँ अरे साची साच बता दे बहु हड़के लाई से पीहर दे, साची साच बता दे बहु हड़के लाई से पीहर दे। और तुम यूं करियो, दहेज नहीं क्या लेकर के जाना, मैं भीम का फोटो लाई सोनी, भीम का फोटो लाई सोनी, यो लाई सो पीहर दे, साची साच बता दे बहुहड़ के लाई से पीहर दे, साची साच बता दे बहुहड़ के लाई से पीहर दे। ताली मारते हुए क्या बात है, बहुत अच्छे। इस पे एक नया गाना आएगा हमारा, क्या उसके बोल अभी बजाए, ध्यान से सुनना बजाएगा क्या, हाँ के बाबा के बाबा के बाबा साहेब ने ईसा लिखा, बाबा साहेब ने ईसा लिखा संविधान, पशुओं जैसा जीवन था ये, पशुओं जैसा जीवन था ये, बना लिया इंसान बाबा साहेब ने, ईसा लिखा संविधान बाबा साहेब ने, ईसा लिखा संविधान। क्या बात है, बहुत अच्छे नाच, क्या बात है, सोचना कि बाबा साहब ने रमाबाई से प्यार नहीं किया, वो भी सच्चा प्यार करते थे। जब बाबा साहब इंग्लैंड से पढ़कर के आए तो माँ रमा और बाबा साहब आपस में सवाल जवाब करने लगे, क्या अभी जो धुन बजाई थी, क्या अरे क्या कहने लगी माँ रमा, माँ रमा बाबा साहब से कहने लगी क्या, क्या करते थे, क्या करते थे साजना, हमसे दूर लगे,
क्या करते थे साजना, हम हमसे दूर रह गई। और रमा कहती है क्या, अक्सर दुआओं में अकेले तुमको ही मांगा करते साहब, तुमको ही मांगा करते। लेकिन बाबा साहब की सोच देखो, पत्नी पति को चाहती है, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते हैं क्या बताते हैं, दिल खुश हो जाएगा क्या? अरे क्या बतलाए जान जान, तुमसे दूर रह के क्या बतलाए जान जान, अब तुमसे दूर रह के अक्सर ख्यालों में हमेशा बहुजन की सोचा करते थे, बहुजन की सोचा करते थे, क्या बतलाएं जान जान, अब तुमसे दूर रह के क्या बतलाएं बाबा साहब, अब तुमसे दूर रह के अक्सर ख्यालों में हमेशा नारी की सोचा करते थे, सोचा करते ताली मार के क्या बात है। अछूत कहाँ से तारे यूं, अछूत कहाँ से तारे। ये लोग समझाते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये लोग खुद कहते हैं कि सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो उस मालिक के पास क्या जातियां बनाने की फैक्ट्री है? समझ में आ गया यार कि भाई ये जाट उतार दिया डिशों, ये ठाकुर उतार दिया डिशों। पीके फिल्म किस किसने देखी है? पीके फिल्म में आमिर खान कहता है थप्पा, अरे जाति का ठप्पा दिखा, जाति का ठप्पा दिखा। ठप्पा है किसी के पास? है किसी के पास ठप्पा? अरे जब ठप्पा नहीं है तो जातियां भी नहीं है। कैसे? ताली मारते हुए। बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत अच्छे। हाँ, ये जात पात और भेदभाव मानस ते मानस न्यारे क्यों, जात पात और भेदभाव मानस ते मानस न्यारे क्यों, ये अछूत कहाँ से आए तारे यूं, अकबर कहाँ से तारे यूं। भाई इन बातों को सोच सोच के, इन बातों को सोच सोच के दिल भर आया, फिर भी अरे फिर भी भीम क्यों ना याद आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। बहुत अच्छे टाइम गाना अभी बजा, ये भी कमबख्त उस नालायक लड़की ने डांस किया। कौन सा? घूंघट की हो तुम्हें, है ना? लेकिन इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2019 में एक मेरी डिमांड है पूरे भारत के बहुजन समाज से, क्या बनवा दो सरकार हमारी। भाई सभी बोलो, जोर लगा के बोलो और ताली मार के बोलो, क्या बनवा दो सरकार हमारी, बनवा दो सरकार हमारी, घनिए वोटा से बनवा दो सरकार हमारी, घनिए वोटा से। हाँ, हम
छपवाने वाला साहब भारत के नोटा पे, हम छपवाने वाला साहब भारत के नोटा पे, गिरर भारत के नोटा पे, गिरर भारत के नोटा पे, गिरर भारत के नोटा पे। ये माता बहनों भाई, ये प्रोग्राम 20 मिनट और चलेगा, 20 मिनट तक बैठा, जो बीच में जाएगी उसके घरवाले के पास दूसरी घरवाली मिलेगी। बढ़िया, ताली मारते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, ताली मार के क्या बात है। हालात ऐसे नहीं थे जैसे हालात थे, गौर से सुना। ओ मारी ओ थारी शक्ल देख रहना ना वो छाया करते, शक्ल देख रहना ना छाया करते। हमें ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनको पता है, इन्होंने देखा वो समय, क्या हमें हालात कैसे थे, गौर से सुना। हाँ, हमें हमें पासों से पानी भाई प्याया करते, ओ पासों से पानी भाई प्याया करते। हम तो कई कई दिन में तो कई कई दिन में तो नहाया करते, बासी भोजन खाया करते, नहाया करते, बासी भोजन खाया करते, नहाया करते। इस भीम ने पिंड छुपाया। और किस किस की समझ में आई, तो ना हाथ ऊपर। फिर भी भीम क्यों ना याद आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। एक गीत आखिरी, मुझे लगता है एक तो बोले दे दो लाइन है, जब से फोटो घर है बोला दो लाइन बोले उसके बाद फिर सुना माता बहनों, ये तुम्हारा गीत है। वो कैसे, एक महिला जब मेरा प्रोग्राम सुन के गई तो महिला ने घर वाले से कहा, जी सुनते हो, बोला हाँ, के गए, बोला जी बाबा साहब की फोटो लिया। और वो घर वाला था ताऊ जैसा, उसने क्या किया, अब उसने दारू पी के और घर में कड़े कर दी, वो फोटो लेके नहीं आया। लेकिन महिला को तो सीख लगी थी, और महिला दो चार महीने बाद देखी लेकिन फोटो नहीं आया। महिला ने क्या किया, अखबार की कटिंग में बाबा साहब के जन्मदिन का फोटो काटा और अपने जहां डुप्लीकेट भगवानों को लगाती थी वहां पर बाबा साहब का फोटो रख लिया, और 6 महीने के बाद अपनी सखियों के बीच में गई और क्या कहने लगी, गौर से सुना मिट्टी मुझे ताली मार के, क्या कहती है, हाँ, हे चलते फोटो, हे चलते फोटो धरा मने मेरे भीम का दरबार में, और दोनों हाथ ऊपर ताली मार के हरियाणा वाला ठुमका, कैसे दोनों हाथ ऊपर कैसे, अरे जब ते फोटू धरा मने, जब ते फोटू धरा मने बाबा का दरबार में है, वो की लाचार में बाबा के प्यार में, वो की लाचार में बाबा के प्यार।
बता रही है ये जो ओम है ओम ये ईमानदारी से हाथ उठाओ किस किस के हाथ में है ओम ओम का कभी मतलब समझा तुमने ये ओम जो तुमने लिखवाया कभी इसका अर्थ समझा कोई बात नहीं भंते जी वो तो हो गया मूर्खता में हो गया कोई बात नहीं किसी ने मतलब देखा इसका ध्यान से सुनना ये ओम है क्या ये ओम तीन अक्षरों से बना कितने अक्षरों से बना नाची छपते रहिए बहुत अच्छे तीन अक्षरों से बना तीन अक्षर कौन से ध्यान से सुनना तीन अक्षर कौन से ए ओ मैं ए ओ मैं बोलिए साथ साथ ए ओ मैं इसका मतलब है ओम क्या मतलब है लेकिन ये तीनों कौन थे ऐसे आकार ओ से ओंकार मैं से मक्कार कौन थे तीनों अकार ब्रह्मा ओंकार विष्णु मक्कार महेश कौन थे तीनों ये तीनों भगवान नहीं थे ये अपने अपने जातियों के मुखिया थे कौन कौन अकार ब्रह्मा ब्रह्मा ब्राह्मणों का मुखिया विष्णु बनियों का मुखिया मक्कार महेश ठाकुरों का मुखिया और ये तीनों के तीनों ये कहते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा ना कोई और जो स्मरण करता उनका तो शुद्ध आत्मा होए ये कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये तीनों बड़े इनसे बड़ा ना कोई और जो इनकी सेवा करता फिर उनसे बड़ा ना कोई करे जाओ सेवा पाए जाओ मेवा समझ में आया कि नहीं ध्यान से सुनना जो तुमने ये कच्चा धागा बंधवा रखा है ये धागा किस किसने बंधवा रखा है ईमानदारी से धागा बंधवा रखा है इस धागे का क्या मतलब कभी सुना तुमने मैं ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी ब्राह्मण जब धागा बांधता है जब ब्राह्मण धागा बांधता है तो बोलता है ध्यान से सुनना तुम अहम गुलामम भवति अस्तु स्वाहा कि आज से तू मेरा गुलाम हो गया और हम क्या कहते हैं दादा पंडित जी मैं तो गुलाम हो गया मेरे छोरे नौर कर ले नहीं समझ माई आज से गुलामी से छुटकारा इसको खोल दो यही कर दो स्वाहा तोड़ दो इसको जिस चीज ने बांध रखा पक्का पक्का आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पिंड छुटवाना है ऐसे ही लाइनों को गौर से सुना बहुत अच्छे क्या बात है ताबिज पहने कई कई गुठी है ओम खिना है नाले ताबिज पहने कई कई गुठी है वो कहती है जब मैंने ओम लिखवाया नाले बांधे ताबिज डाले तब कुछ नहीं हुआ लेकिन जब बाबा साहब को बना तब नाले ताबिज करती थी तो मेरे घर में क्या था तब टूटी साइकिल होया कर थी लेकिन जब बाबा साहब को बना तो हुंडई कंपनी की गाड़ी आई और कौन सी गाड़ी आई हाँ तब टूटी साइकिल होया कर थी आज आई नई टवंटी है टूटी साइकिल होया और वो सोचती है गिरी महिला वो कहती है ये मैंने कदे भी ना सोची थी मैंने कदे भी ताली नहीं बज रही मैंने कदे भी ना सोची थी मैं बैठूंगी कार में होगी लाचार में बाबा के पार में होगी लाचार में बाबा के पार मेरे साथ सभी बोलिए जोर से बोलना है बोलिए आई मेरी तरफ देखिए नहीं बाबा साहब की तरफ देखिए जोर से बोलना क्या कि आई लव यू भीम आई लव यू भीम जोर से बोलिए क्या बात है ताली मार के
बाबा साहब ने कृपो खातिर यो संविधान बनाया है। इस भीमराव ने कृपो का सोया भाग लगाया है। भीमराव ने कृपो का ये कि तुम्हारा करवा चौथ रखने से तुम्हारे पति की लंबी उम्र हो जाएगी, ऐसा मत सोचना। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि जो भी कुछ तुम्हें मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर से मिला है, किसी और से नहीं। कैसे? हाँ, बाबा साहब ने और बाबा साहब ने गरीबों के लिए ये संविधान बनाया है। बाबा साहब ने सभी बोले ताली संविधान बनाया है। और भीमराव ने गरीबों का सोया भाग जगाया है। भीमराव ने गरीबों का सोया भाग जगाया है। और पंडित मेहरा पागल हो गया, मंजे मेहरा पागल हो गया। बाबा साहब के प्यार में बाबा के प्यार में वो गीला चार में है। बाबा के प्यार में वो गीला चार में है। बाबा के प्यार में आइए, ये मजाक बहुत हुआ। अब एक